नमस्कार, मैं राजकिशोर बिष्ट। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की इस लेक्चर सीरीज में आज हम ग्राफ थ्योरी का प्रथम भाग सीखेंगे। आइए देखते हैं इस लेक्चर में हम क्या क्या सीखेंगे। सर्वप्रथम, ग्राफ क्या होता है, कैसे हम इसे डिफाइन करते हैं तथा इसके विभिन्न एलिमेंट्स के बारे में सीखेंगे। विभिन्न ग्राफ्स के बारे में सीखेंगे, वॉक, पाथ एंड सर्किट, ऑयलर ग्राफ, हैमिल्टोनियन सर्किट, प्लानर ग्राफ, कट शीट्स एंड कट वर्टेक्स के बारे में सीखेंगे। ग्राफ ग्राफ जी वी ई वर्टिसेस तथा एजेस का एक समूह होता है, जिसमें वी या वीजी वर्टिसेस के सेट को रिप्रेजेंट करता है और ई या ईजी एजेस के सेट को रिप्रेजेंट करता है। हर एक एज वर्टिसेस की अनऑर्डर्ड पेयर के साथ जुड़ी हुई होती है। ऑर्डर एंड साइज ऑफ ए ग्राफ, किसी ग्राफ में वर्टिसेस की संख्या उस ग्राफ का ऑर्डर कहलाती है तथा एजेस की संख्या उस ग्राफ का साइज कहलाती है। एडजेसेंट वर्टिसेस एंड एजेस, ग्राफ में दो वर्टिसेस एडजेसेंट कहलाएंगे यदि दोनों के बीच में एक एज हो। दो ऐसी एजेस जो कि पैरेलल ना हो एडजेसेंट कहलाती है यदि दोनों में एक एंड वर्टेक्स कॉमन हो। सेल्फ लूप एंड पैरेलल एजेस, कोई एक एज है जो कि एक ही वर्टेक्स से प्रारंभ हो रही हो तथा उसी में वापस मिल रही हो, वह सेल्फ लूप कहलाती है। दो ऐसी एजेस जिनके अंत के वर्टेसेस समान हो, वह पैरेलल कहलाती है। डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स, किसी वर्टेक्स की डिग्री उस वर्टेक्स से होकर जाने वाली एजेस की संख्या होती है। यदि कोई एज एक सेल्फ लूप हो तो उस वर्टेक्स की डिग्री कैलकुलेट करने के लिए वह एज हम दो बार काउंट करते हैं। आइसोलेटेड वर्टेक्स एंड पेंडेंट वर्टेक्स, ऐसा वर्टेक्स जिस पर कोई एज नहीं आ रही हो आइसोलेटेड वर्टेक्स कहलाता है। आइसोलेटेड वर्टेक्स की डिग्री जीरो होती है। ऐसा वर्टेक्स जिसकी डिग्री वन हो पेंडेंट वर्टेक्स कहलाता है। उदाहरण के लिए फिगर वन में दिखाए गए ग्राफ को आप देखें तो यहां पर सेवन वर्टिसेस हैं और नाइन एजेस हैं। अतः इस ग्राफ का ऑर्डर सेवन तथा साइज नाइन है। एज ई थ्री एक सेल्फ लूप है। ई फाइव तथा ई सिक्स पैरेलल एजेस हैं। वी फोर एक आइसोलेटेड वर्टेक्स है तथा वी सेवन एक पेंडेंट वर्टेक्स है। इस ग्राफ में वी वन की डिग्री टू है तथा वी थ्री की डिग्री फोर है। वर्टिसेस वी वन तथा वी टू एडजेसेंट हैं। एजेस ई वन तथा ई टू एडजेसेंट हैं। सिंपल ग्राफ, मल्टी ग्राफ एंड नल ग्राफ, ऐसा ग्राफ जिसमें कोई भी सेल्फ लूप अथवा पैरेलल एजेस ना हो वह सिंपल ग्राफ कहलाता है। ऐसा ग्राफ जिसमें कोई पैरेलल एजेस हो वह मल्टी ग्राफ कहलाता है। ऐसा ग्राफ जिसमें फाइनाइट वर्टिसेस हो परंतु कोई भी एज ना हो वह नल ग्राफ कहलाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ, कोई सिंपल ग्राफ कंप्लीट कहलाएगा यदि हर दो वर्टिसेस के बीच में एक एज हो। एन वर्टिसेस के कंप्लीट ग्राफ को हम के एन से दिखाते हैं। यहां पर थ्री फोर तथा फाइव वर्टिसेस के कंप्लीट ग्राफ दिखाए गए हैं। रेगुलर ग्राफ, कोई ग्राफ रेगुलर कहलाएगा यदि हर एक वर्टेक्स की डिग्री समान हो। यदि किसी ग्राफ में हर एक वर्टेक्स की डिग्री आर हो तो वह आर रेगुलर कहलाएगा। यहां पर टू रेगुलर तथा थ्री रेगुलर ग्राफ दिखाए गए हैं। यहां पर महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हर एक कंप्लीट ग्राफ रेगुलर ग्राफ होगा, परंतु हर एक रेगुलर ग्राफ कंप्लीट ग्राफ होना जरूरी नहीं है। दिखाया गया ग्राफ रेगुलर है लेकिन कंप्लीट नहीं है। बाइपार्टाइट ग्राफ, कोई ग्राफ बाइपार्टाइट कहलाएगा यदि उसमें वर्टिसेस के सेट का दो सबसेट्स V1 तथा V2 में कोई ऐसा पार्टीशन संभव हो
जिसमें हर एक एज का एक सिरा V1 तथा दूसरा सिरा V2 में हो। दिखाया गया ग्राफ एक बाइपार्टाइट ग्राफ है, कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ। कोई ग्राफ कंप्लीट बाइपार्टाइट कहलाएगा यदि उसमें वर्टिसेस के सेट का दो सबसेट्स V1 तथा V2 में कोई ऐसा पार्टीशन संभव हो जिसमें हर दो वर्टिसेस, जिसमें कि एक V1 का हो तथा दूसरा V2 का हो, के बीच में एक एज हो। यदि V1 में M वर्टिसेस तथा V2 में N वर्टिसेस हो, तो इसे हम KMN से प्रदर्शित करते हैं। दिखाया गया ग्राफ एक कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ K2-3 है। एक थ्योरम देखते हैं। यदि जी वी कोई एन वर्टिसेस तथा ई एजेस का ग्राफ हो, तो सभी वर्टिसेस की डिग्री का योग एजेस की संख्या के दुगने के बराबर होता है। आइए हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। हमें पता है कि हर कोई एज दो वर्टिसेस के साथ जुड़ी हुई है, अतः हर कोई एज सभी वर्टिसेस की डिग्री का योग करने पर दो बार ऐड हो जाएगी। यही तथ्य यह सिद्ध करता है कि सभी वर्टिसेस की डिग्री का योग एजेस की संख्या के दुगने के बराबर होगा। आइए एक और थ्योरम देखते हैं। किसी ग्राफ में विषम डिग्री के वर्टिसेस की संख्या हमेशा सम होती है। आइए इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। माना कि जी वी कोई एन वर्टिसेस तथा ई एजेस का ग्राफ है। हम सेट वी को दो सबसेट्स V0 तथा VE में पार्टीशन करते हैं, जहां V0 विषम डिग्री वाले वर्टिसेस का सेट है तथा VE सम डिग्री वाले वर्टिसेस का सेट है। अतः हमारे पास VE यूनियन V0 इक्वल टू V तथा VE इंटरसेक्शन V0 इक्वल टू V होगा, तथा ट्वाइस E इक्वल टू सम ऑफ डिग्रीज ऑफ वी आई, जहां पर वी आई वी ई को बिलोंग कर रहा है, प्लस सम ऑफ डिग्रीज ऑफ वी आई, जहां वी आई वी ओ को बिलोंग कर रहा है। ट्वाइस ई इक्वल टू एन इवन नंबर लेस देन ट्वाइस ई, प्लस सम ऑफ डिग्रीज ऑफ वी आई, जहां वी आई वी जीरो को बिलोंग कर रहा है। क्योंकि वी आई जब वी ई को बिलोंग कर रहा हो, तो यहाँ पर सभी वर्टिसेस की डिग्री सम होगी। इसी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ डिग्रीज ऑफ वी आई, जहां वी आई वी जीरो को बिलोंग कर रहा है, ये ट्वाइस ई माइनस एन इवन नंबर लेस देन ट्वाइस ई के इक्वल होगा, और फाइनली यह एक इवन नंबर के बराबर होगा। क्योंकि वी जीरो में सभी वर्टिसेस विषम डिग्री के हैं, अतः इनकी डिग्री का योग एक सम संख्या तभी होगी जब इनकी संख्या सम हो, क्योंकि विषम संख्याओं को सम बार जोड़ने पर ही एक सम संख्या प्राप्त हो सकती है। एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है एक ग्राफ में 12 वर्टिसेस हैं तथा दो वर्टिसेस 3 डिग्री के हैं, दो वर्टिसेस 4 डिग्री के हैं, बाकी बचे हुए वर्टिसेस की डिग्री 5 है। हमें ग्राफ में वर्टिसेस की संख्या ज्ञात करनी है। हम मान लेते हैं कि ग्राफ में वर्टिसेस की संख्या n है, क्योंकि हमें पता है कि सभी वर्टिसेस की डिग्रियों का योग एजेस की संख्याओं के दुगने के बराबर होता है। अतः 2 × 3 प्लस 2 × 4 प्लस n − 4 × 5 इक्वल टू 2 × 12, और इसे सॉल्व करने पर हमें n इक्वल टू 6 मिलता है। सब ग्राफ्स। कोई ग्राफ जी वी वन इवन किसी दूसरे ग्राफ जी वी का सब ग्राफ कहलाएगा यदि वी वन वी का सबसेट तथा ई वन ई का सबसेट हो। साथ ही हर एक एज के लिए जो एंड वर्टिसेस जी में है, वही जी वन में भी होने चाहिए। सब ग्राफ को हम दो तरीकों से परिभाषित कर सकते हैं, वर्टेक्स डिजॉइंट सब ग्राफ्स। किसी ग्राफ जी वी के सब ग्राफ जी वन वी वन ई वन तथा जी टू वी टू ई टू वर्टेक्स डिसजॉइंट सब ग्राफ्स कहलाएंगे यदि वी वन इंटरसेक्शन वी टू इक्वल टू 5, अर्थात कोई भी वर्टेक्स दोनों में वी वन तथा वी टू में कॉमन ना हो। एज डिसजॉइंट सब ग्राफ्स।
किसी ग्राफ जी वी ई के सब ग्राफ्स जी वन वी वन ई वन जी टू वी टू ई टू एज डिसजॉइंट सब ग्राफ्स कहलाएंगे यदि ई वन इंटरसेक्शन ई टू इक्वल टू 5 अर्थात दोनों में कोई भी एज कॉमन ना हो। पहले उदाहरण में ग्राफ और उसके वर्टेक्स डिसजॉइंट सब ग्राफ देखें। दूसरे उदाहरण में ग्राफ और उसके एज डिसजॉइंट सब ग्राफ देखें। ऑपरेशन ऑन ग्राफ्स, क्योंकि ग्राफ वर्टिसेस तथा एजेस का सेट है अतः सेट के सभी ऑपरेशंस हम यहां भी लगा सकते हैं। यूनियन एंड इंटरसेक्शन, दो ग्राफ्स का यूनियन तथा इंटरसेक्शन निकालने के लिए उनके वर्टिसेस के सेट्स तथा एजेस के सेट्स का यूनियन तथा इंटरसेक्शन निकालेंगे। रिंग सम ऑफ टू ग्राफ्स, दो ग्राफ्स के रिंग सम में दोनों ग्राफ के वर्टिसेस को लिया जाता है परंतु दोनों ग्राफ के कॉमन एजेस को छोड़कर बाकी सभी एजेस को लिया जाता है। डिकम्पोजिशन ऑफ ए ग्राफ, कोई ग्राफ दो सब ग्राफ्स में डिकम्पोज होना कहलाता है यदि दोनों सब ग्राफ्स में मेन ग्राफ के सभी वर्टिसेस हों तथा दोनों में कोई भी एज कॉमन ना हो। वॉक, वॉक किसी ग्राफ में वर्टिसेस तथा एजेस की अल्टरनेटिंग सीक्वेंस है जो कि वर्टेक्स से स्टार्ट होती है तथा वर्टेक्स पर ही खत्म होती है तथा इस सीक्वेंस में हर एक एज अपनी आगे एवं पिछले वर्टेक्स पर इंसिडेंट होती है। किसी वॉक में कोई वर्टेक्स एक से अधिक बार आ सकता है परंतु कोई एज एक से अधिक बार नहीं आ सकती है। यहां उदाहरण में आप एक ग्राफ तथा उसमें दो अलग अलग वॉक देख रहे हैं। पहला V2 E5 V3 E3 V4 E2 V5 E7 V2 E4 V1, दूसरा V1 E4 V2 E7 V5। पाथ, पाथ एक ऐसा ओपन वॉक है जो कि अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा हो अर्थात कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं हो रहा हो तथा प्रथम वर्टेक्स अंतिम वर्टेक्स से अलग हो। सर्किट, सर्किट एक ऐसा क्लोज्ड वॉक है जो कि अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा हो अर्थात कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं हो रहा हो तथा प्रथम वर्टेक्स अंतिम वर्टेक्स के समान हो। यहां उदाहरण में आप एक ग्राफ तथा उसमें पाथ तथा सर्किट देख रहे हैं। पाथ V1 E4 V2 E7 V5, सर्किट यहां आप देख रहे हैं V2 E5 V3 E3 V4 E2 V5 E7 V2। कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड ग्राफ, कोई ग्राफ कनेक्टेड कहलाएगा यदि हर दो वर्टिसेस के बीच में एक पाथ हो अर्थात वह एक दूसरे से रीचेबल हो। यदि ऐसा नहीं है तो ग्राफ डिस्कनेक्टेड कहलाएगा। यहां पर उदाहरण में एक कनेक्टेड तथा दूसरा डिस्कनेक्टेड ग्राफ दिया गया है। डिस्कनेक्टेड ग्राफ में आप देख सकते हैं कि V1 तथा V3 के बीच में कोई भी पाथ नहीं है। ऑयलर ग्राफ, ऐसा क्लोज वॉक जिसमें ग्राफ की सभी एजेज हों ऑयलर लाइन कहलाता है तथा ग्राफ जिसमें ऑयलर लाइन हो वह ऑयलर ग्राफ कहलाता है। यहां पर आप उदाहरण में एक ग्राफ देख रहे हैं जिसमें एक ऑयलर लाइन है जो कि V4 से प्रारंभ हो रही है। हैमिल्टोनियन सर्किट, हैमिल्टोनियन सर्किट ऐसा क्लोज्ड वॉक है जो कि हर कोई वर्टेक्स से एक ही बार गुजरता हो केवल पहले वर्टेक्स को छोड़कर जहां पर वह समाप्त हो रहा हो। यहां पर आप उदाहरण में एक ग्राफ देख रहे हैं जिसमें एक हैमिल्टोनियन सर्किट है जो कि V1 से प्रारंभ हो रहा है तब V1 में ही समाप्त हो रहा है। प्लानर ग्राफ, कोई ग्राफ प्लानर ग्राफ कहलाएगा यदि उसका कोई एक ऐसा ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन किया जा सके जिसमें कोई भी दो एजेज आपस में एक दूसरे को काटती ना हो। यहां पर आप उदाहरण में एक थ्री वर्टिसेस का प्लानर ग्राफ देख रहे हैं। दूसरे उदाहरण में एक फोर वर्टिसेस का कंप्लीट ग्राफ दिखाई दे रहा है जिसमें कि बीच में दो एजेज आपस में काटती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन हम इसका एक ऐसा ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं जैसा कि आप सामने के ग्राफ में देख रहे हैं कि जिसमें कोई भी दो एजेज आपस में काट नहीं रही हैं अतः यह ग्राफ
प्लैनर ग्राफ है। कट सेट एंड कट वर्टेक्स, किसी ग्राफ में कट सेट एजेस का वह मिनिमल सेट है जिसको हटाने से ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जाता है। यहाँ पर मिनिमल का अर्थ यह है कि इस सेट का कोई भी ऐसा सबसेट एग्जिस्ट नहीं करता है जिसको हटाने से भी ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। ऐसा वर्टेक्स जिसको हटाने से ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जाता है वह कट वर्टेक्स कहलाता है। यहाँ पर ग्राफ में चार कट सेट्स E1, E3, E1, E2, E5, E6, E4, E6 देख रहे हैं, जिनको हल्की रेखाओं से भी दिखाया गया है। यहाँ पर वर्टेक्स V3 एक कट वर्टेक्स है। इस लेक्चर में हमने ग्राफ तथा ग्राफ के सारे एलिमेंट्स, विभिन्न प्रकार के ग्राफ, वॉक, पाथ, सर्किट, ऑयलर ग्राफ, हैमिल्टनियन सर्किट, प्लैनर ग्राफ तथा कट सेट एंड कट वर्टिसेस के बारे में सीखा। अगले लेक्चर में हम ट्री, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ्स और कलरिंग ऑफ ग्राफ्स के बारे में सीखेंगे। धन्यवाद।